हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दुर्गेश है और आप देख रहे हैं लर्न कोड विद दुर्गेश यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, हम लोग जावा एडवांस को यूज़ करके प्रोजेक्ट बना रहे थे और हम लोग ने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि हम लोग डेटाबेस से कैटेगरीज को कैसे फेच करके शो करेंगे अपने प्रोफाइल पेज पे। दैट मीन्स जब बंदा लॉग इन करेगा तब उसको सारी कैटेगरीज दिखानी थी और हम लोगों ने पेज को दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया था। तो हम लोग इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, पोस्ट को फेच करके दिखाने वाले हैं। और ये जो वीडियो होने वाला है वो हमारे प्रोजेक्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि ये जो इम्पॉर्टेंट वीडियो है इसमें हम लोग अपने प्रोजेक्ट का ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग अपने प्रोजेक्ट का एकदम हार्ट वाला पार्ट यहाँ पे करने जा रहे हैं। क्योंकि हम लोग इस वीडियो में पहले हम लोग सारे पोस्ट निकाल के दिखाएंगे, उसके बाद हम लोग कैटेगरी वाइज पोस्ट को फेच करके दिखाएंगे। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। तो फ्रेंड्स, हम लोग सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले दो फंक्शन बनाएंगे। और दो फंक्शन का नाम क्या रखेंगे मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि दोनों फंक्शन के नाम क्या होंगे, रिटर्न टाइप क्या होंगे। तो हम लोग आ जाएंगे अपने डाओ में। कौन से डाओ में? क्योंकि हमारे पास डाओ वाले बहुत सारे क्लासेस हैं, तो हम आएंगे कॉम डॉट टेक डॉट ब्लॉक डॉट डाओ वाले फोल्डर में, पैकेज में। और यहाँ पे दो हैं, पोस्ट डाओ और यूजर डाओ। तो हम लोग ओपन कर लेंगे अपना पोस्ट डाओ और इसमें बहुत सारे हमने फंक्शंस बनाए थे, डिस्कस किए थे, और हमने एक फंक्शन बनाया भी था गेट ऑल कैटेगरीज। तो हम लोग इस फंक्शन के साथ अभी कोई भी काम नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फंक्शंस बनाएंगे और दो फंक्शन इंपॉर्टेंट बनाएंगे, दो मेथड बनाएंगे। सबसे पहला जो मेथड होगा उसका नाम होगा गेट पोस्ट, ठीक है, या गेट ऑल पोस्ट, ठीक है। ये जो फंक्शन होगा, ये फंक्शन क्या कर रहा होगा, सारे पोस्ट निकाल के मुझे दे रहा होगा, एक लिस्ट दे रहा होगा जिसके अंदर सारे पोस्ट रखे होंगे, सारी लिस्ट दे रहा होगा। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो हम इसका सिंटेक्स लिख देते हैं, नाम मैंने लिख दिया है इसका, इसको पब्लिक कर देते हैं। और ये दे रहा होगा एक लिस्ट जिसके अंदर सारे पोस्ट रखे होंगे, ठीक है। रिटर्न टाइप इसका होगा लिस्ट कंटेनिंग ऑल द पोस्ट, और लिस्ट को हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ एक ब्लैंक लिस्ट बना के रिटर्न कर देते हैं जिससे कि एरर गायब हो जाए। तो हम लोग एक लिस्ट टाइप का वेरिएबल बनाएंगे और लिस्ट कंटेनिंग पोस्ट, और लिस्ट इंटरफेस है तो हम लोग लिस्ट का तो ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते, तो हम इसका चाइल्ड क्लास यूज करेंगे, एरे लिस्ट यूज करेंगे एरे लिस्ट ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, परफेक्ट। और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डायमंड ऑपरेटर वाला सिंबल यूज कर लेते हैं और हम लोग सिंपली इसी लिस्ट को क्या करते हैं, यहाँ से रिटर्न कर देते हैं लिस्ट को। काम हो गया हमारा, फॉन्ट थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। तो एक फंक्शन तो बन गया जो सारे पोस्ट को ला रहा होगा, और हम लोग की कोडिंग यहाँ पे होगी फेच ऑल द पोस्ट, यहाँ पे कोडिंग होगी। तो अभी मैं कोडिंग करूंगा, वेट करिए। सबसे पहले कमेंट लगा के मैं लिख दे रहा हूँ गेट ऑल द पोस्ट, ठीक है, जिससे कि मुझे कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि बाद में भी मुझे इस फंक्शन को देखना होगा फ्यूचर में, तो हमें कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, मुझे तुरंत पता चल जाए कि यही वाला वो फंक्शन था, यही वाला मेथड था जो हमारी पोस्ट को फेच करके रिटर्न कर रहा था। नेक्स्ट एक फंक्शन बनाऊंगा जो पब्लिक होगा और ये भी रिटर्न कर रहा होगा लिस्ट ऑफ पोस्ट, तो मैं लिखूंगा लिस्ट ऑफ पोस्ट, ठीक है, ये लिस्ट ऑफ पोस्ट रिटर्न कर रहा होगा। लेकिन इसका काम कुछ अलग होगा, इसका नाम भी होगा गेट, इसका नाम होगा गेट पोस्ट बाय कैट आई डी, गेट पोस्ट बाय कैट आई डी, और ये ले रहा होगा इंटीजर टाइप की कैटेगरी आई डी, ठीक है, ये कैटेगरी आई डी ले रहा होगा और ये वही पोस्ट रिटर्न कर रहा होगा जिस कैटेगरी की आई डी हम लोग इसको देंगे। लेट अस सपोज अगर मैंने कैटेगरी आई डी 1 दी तो ये मुझे 1 वाले सारे पोस्ट रिटर्न करना होगा, दैट मीन्स लिस्ट कंटेनिंग ऑल द पोस्ट हैविंग कैटेगरी आई डी दैट विच वी हैव गिवन, ठीक है। तो ये क्या कर रहा होगा, जो आईडी हम लोग देंगे उस उन सारे पोस्ट की लिस्ट बना के मुझे रिटर्न कर रहा होगा, और बाकी ये चीजें यही रहेंगी। अब मुझे करना क्या है, सिंपली अब मुझे यहाँ पे गेट ऑल पोस्ट नहीं करना है, यहाँ पे गेट ऑल पोस्ट बाय आईडी। तो अब हमें दो जगह मिल गई हैं। सबसे पहली जगह हमारी है गेट ऑल पोस्ट, उसकी कोडिंग यहाँ पे करनी है, ये सारे पोस्ट मुझे डेटाबेस से लाके फेच करके दिखाने, यहाँ पे लिस्ट में ऐड करने हैं, और इसके अंदर हमें वही सारे पोस्ट लाने हैं जिसकी आईडी हमें यहाँ पे मिल रही है। तो चलिए फटाफट इन दोनों की कोडिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रोफाइल पेज पे चल के स्टार्ट पोस्ट को सारे दिखाते हैं। तो यहाँ पे आएंगे और हम लगाएंगे ट्राई और कैच सिंपली, और कैच में अगर कोई एरर आएगी तो मैं यहाँ सिंपली ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस की हेल्प से प्रिंट कर दूंगा स्क्रीन पे कंसोल पे। उसके बाद मैं आप मुझे क्वेरी चलानी है, तो हम लोग सबसे पहले
प्रिपेयर स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में पी इज इक्वल टू कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, और हमें क्वेरी चलानी है स्टेटमेंट, और हमें क्वेरी चलानी है सेलेक्ट, तो हम लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, और टेबल का नाम पोस्ट है तो हम यहां पे दे देंगे पोस्ट। एक बार मैं भी चेक करूंगा टेबल का नाम क्या है, तो हम लोग एक बार डेटाबेस ओपन करते हैं, टेबल का नाम चेक कर लेते हैं। तो हम लोग अपना डेटाबेस ओपन करते हैं, हमारा डेटाबेस ओपन है, और हम लोग यहां पे टेक ब्लॉक में टेबल बनाई थी पोस्ट, तो हम लोग ने क्वेरी सही लगाई। अब हम लोग इस क्वेरी को फायर कर देते हैं, कोई भी डायनेमिक पैरामीटर नहीं है, तो सिंपली मैं एक वेरिएबल लूंगा रिजल्ट सेट, और रिजल्ट सेट सेट इज इक्वल टू पी डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी कर दूंगा सिंपली। अब मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली व्हाइल लूप लगा के एक एक रो को ट्रेवर्स कर लूंगा, तो मैं लगाऊंगा सिंपली व्हाइल और लिखूंगा सेट डॉट नेक्स्ट, अगर कोई रो मुझे मिलेगी उस केस में ये नेक्स्ट हो ट्रू देगा, और उसके बाद हम एक जो रो होगी उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे फेच कर लूंगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कॉलम्स को देखते रहेंगे क्योंकि मुझे कॉलम्स याद नहीं है, तो जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं कॉलम्स को देखता रहूंगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं, तो सबसे पहले पी आई डी मुझे चाहिए, तो इंटीजर पी आई डी पोस्ट की आई डी, और मैं यहाँ कहूंगा सेट डॉट गेट इंट, और मैं कॉलम का नाम पास कर दूंगा, तो कॉलम का नाम हमारा था पी आई डी, परफेक्ट। नेक्स्ट हमें चाहिए पी टाइटल, तो हम लिखेंगे स्ट्रिंग पी टाइटल, और हम क्या करते हैं सेट डॉट गेट स्ट्रिंग, और हम कॉलम का नाम पास कर देंगे पी टाइटल, और हम क्या करते हैं दो मैंने अलग अलग निकाल के दिखा दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक यूजर का ऑब्जेक्ट बनाना, सॉरी पोस्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है, और पोस्ट के ऑब्जेक्ट में सारी वैल्यूज स्टोर भी करनी है, तो हम लोग क्या करते हैं वाइल के अंदर ही एक पोस्ट का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, या हम लोग नॉर्मली कर लेते हैं, बाद में हम लोग उसको कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कंटेंट निकालते हैं, तो पी डॉट सॉरी पी कंटेंट, और लिखेंगे सेट डॉट गेट स्ट्रिंग, और हम स्ट्रिंग में पास कर देंगे पी कंटेंट, परफेक्ट। उसके बाद हम लोग ले लेंगे कोड, तो हम लिखेंगे स्ट्रिंग पी कोड, और हम लिखेंगे सेट डॉट गेट स्ट्रिंग, और हम पास कर देंगे कॉलम का नाम पी कोड, परफेक्ट। अब हमें चाहिए भाई पी पिक पिक्चर का नाम, तो हम लिखेंगे स्ट्रिंग पी पिक, और हम लिखेंगे सेट डॉट गेट स्ट्रिंग, पिक्चर का नाम भी स्ट्रिंग होगा पी पिक, परफेक्ट। नेक्स्ट हम लोग डेट चाहिए, तो हम लोग एक टाइम स्टैम्प नाम का वेरिएबल बनाएंगे टाइम स्टैम्प, और हम लिख देंगे डेट, डेट इज इक्वल टू सेट डॉट गेट स्ट्रिंग, और हम लोग यहाँ पे कॉलम का नाम पास कर देंगे पी डेट, परफेक्ट। अब हमें कैटेगरी आई डी चाहिए, तो कैटेगरी आई डी भी ले लेते हैं स्ट्रिंग नहीं, यहाँ पे गेट टाइम स्टैम्प, गेट टाइम स्टैम्प, परफेक्ट। अब कैटेगरी भी निकाल लेते हैं, कैटेगरी आई डी तो आ रही होगी, या कैटेगरी आई डी में हम लोग क्या करते हैं फेच कर लेते हैं पोस्ट की कैटेगरी आई डी, तो एक वेरिएबल लेते हैं इंटीजर सी कैट आई डी इज इक्वल टू सेट डॉट गेट इंट, और हम लोग इसके अंदर कैट आई डी पास कर देते हैं, परफेक्ट। तो हमारे पास कितने कॉलम्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम आ गए। अब हम लोग पोस्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, पोस्ट पी इज इक्वल टू न्यू पोस्ट, न्यू पोस्ट, और हम लोग यहाँ पे पास करेंगे, और हम लोग ये वाला यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे चाहिए पी आई डी, पी आई डी आ गया भाई, पी आई डी, पी टाइटल, पी कॉन्टेंट, एंड नेक्स्ट वन पी कोड, पी पिक, पी डेट, ठीक है। तो एक बार हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं अपना कंस्ट्रक्टर, तो हम ओपन करेंगे एंटिटीज और पोस्ट वाली क्लास देखेंगे, तो हमें चाहिए था पी आई डी, पी टाइटल, पी कंटेंट, पी कोड, पी पिक, पी टाइटल, पी कंटेंट, पी कोड, पी पिक, एंड नेक्स्ट वन इज डेट, फिर डेट के बाद कैटेगरी आई डी, यूजर आई डी, कैटेगरी आई डी एंड यूजर आई डी। तो एक कॉलम हम लोग को और निकालना पड़ेगा यूजर आईडी के लिए, तो हम लोग एक और वेरिएबल ले लेंगे इंट यूजर आईडी इज इक्वल टू सेट डॉट गेट इंट, और हम लोग कॉलम पास कर देंगे यहाँ पे यूजर आईडी, परफेक्ट। और ये यूजर आईडी हम यहाँ पास कर देंगे, तो हमें यूजर आईडी भी मिल जाएगी यहाँ पे, और हमारा ऑब्जेक्ट भी रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं पोस्ट, पोस्ट, परफेक्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ये जो पोस्ट वाला वेरिएबल है इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट रखा है, दैट मीन्स एक रो रखा हुआ है। जब
ये while लूप दोबारा चलेगा तो इसी पोस्ट में दूसरी वैल्यूज आ जाएंगी दूसरे रो की, तो हम लोग क्या करेंगे अपने लिस्ट में ऐड कर देंगे ये पोस्ट। परफेक्ट। तो हम होगा क्या, एक एक पोस्ट की डिटेल्स निकलती जाएगी और आपके लिस्ट में ऐड होती जाएगी, सारी चीजें आपको आपकी लिस्ट में कलेक्ट होती जाएंगी और वही लिस्ट यहां से रिटर्न हो जाएगी। अगर आपके लिस्ट में जीरो एलिमेंट्स मिले इसका मतलब कोई भी पोस्ट नहीं था। अब हम लोग ये भी फंक्शन कंप्लीट कर लेते हैं, तो सारा कोड एग्जैक्टली मैं सेम लिख दूंगा यहां से यहां तक का, ट्राई के साथ कोड कॉपी कर लीजिए, तो फेच ऑल कोड ट्राई के साथ का कोड पूरा कॉपी कर लीजिए और यहां पे आके सिंपली पेस्ट कर दीजिए। और हम लोग करेंगे क्या, सिंपली देखिए ये कैटेगरी आईडी वाला कॉलम हटा देंगे, क्योंकि कैटेगरी आईडी तो आपकी यहां आ ही रही है और हम क्वेरी में हल्का सा चेंज करेंगे और हम लिखेंगे वेयर वेयर कैट आईडी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और हम लोग इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू इस वाली कैटेगरी आईडी से रिप्लेस कर देंगे। तो देखिए कैसे, हम लिखेंगे पी डॉट सेट इंट और हम लिखेंगे पहले क्वेश्चन मार्क में मुझे सेट करना है कैट आईडी। परफेक्ट। तो इस केस में ये फंक्शन एग्जैक्टली ये वाली क्वेरी फायर हो जाएगी, ये वाली क्वेरी फायर हो जाएगी और सारे पोस्ट इसी वाली कैटेगरी के फेच होके आ जाएंगे और फिर से वही चीज रिपीट होगी, सारी सारी चीजें निकलेंगी, पोस्ट बनेगा और ऐड हो जाएंगे। तो फिर परफेक्टली दोनों फंक्शन हमारे रेडी हैं। अब हमें करना क्या है, हम लोग को अगर सारे पोस्ट चाहिए तो हमें गेट ऑल पोस्ट वाला फंक्शन कॉल करना है, और अगर हमें कैटेगरी आईडी वाइज चाहिए तो हमें ये वाला फंक्शन कॉल करना है और यहां पे हमें कैटेगरी आईडी पास कर देनी है, तो कैटेगरी पर्टिकुलर कैटेगरी वाले पोस्ट सारे मिल जाएंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रोफाइल पेज में, और प्रोफाइल पेज में हम लोग गेट ऑल पोस्ट वाला फंक्शन कॉल करते हैं, गेट ऑल पोस्ट वाला फंक्शन कॉल करते हैं। तो ये हमारा पेज प्रोफाइल का, और हमें दिखाने हैं पोस्ट भाई, कहाँ पे पोस्ट दिखाने हैं, हमें पोस्ट हमें दिखाने यहाँ पे सारे पोस्ट दिखाने हैं। तो सबसे पहले एक्चुअली मैं जैसे ही पेज लोड होगा मैं यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लगाऊंगा, मैं यहाँ पे यूज करूंगा अजैक्स, अजैक्स टाइप का कुछ यूज करूंगा पोस्ट को लोड करने के लिए। तो सिंपली मैं करता क्या हूँ, मैं यहाँ पे एक लोडर लगा रहा हूँ, जैसा जैसे मैं करता जा रहा हूँ आप देखते रहिए, इनिशियली जैसे ही आप पेज को यहाँ पे ओपन करोगे यहाँ पे एक लोडिंग टाइप का दिखेगा। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे देखिए मैं एक डिप बना लेता हूँ, कंटेनर कंटेनर, और ठीक है, और इसकी एक आईडी दे देता हूँ आईडी, और आईडी में लिखूंगा आईडी में लोडर, ठीक है, और इसके अंदर मैं लोडर रखने वाला हूँ। देखिए कैसे मैं एक लगाऊंगा आई, और आई में क्लास लगाऊंगा, देखिए क्लास लगाता हूँ आई में, क्लास एफ ए एफ ए, और यहाँ पे लगाता हूँ रिफ्रेश, ठीक है। अगर आप इसको रिफ्रेश करते हो तो यहाँ पे आपको एक रिफ्रेश का आइकन दिखेगा, तो पहले मैं लॉग इन कर लेता हूँ क्योंकि ये लॉग आउट हो गया था। तो देखिए रिफ्रेश का हल्का सा आइकन दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ सबसे पहले, तो हम लोग इसको सबसे पहले बड़ा करते हैं। तो बड़ा करने के लिए आप लिखेंगे एफ ए, और बड़ा करने के लिए 1x 2x 3x 4x है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3x 3x से देखते हैं कितना बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो देखिए इतना बड़ा हो गया, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं, 4x कर सकते हैं, इसको हम लोग 4x कर सकते हैं, ठीक है। इसको सेंटर पे करने के लिए कंटेनर पे लगा दिए टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट सेंटर, और रिफ्रेश कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए सेंटर पे हो गया। इसको घुमाने के लिए, स्पिन कराने के लिए एक क्लास अपने आइकन पे और लगानी पड़ेगी, एफ ए डैश स्पिन, ठीक है। अगर आप इसको कर दोगे तो देखिएगा ये स्पिन भी करने लगेगा, ठीक है। कभी अगर आपने AWS यूज किया हो तो इस आइकन को बहुत बार देखते होंगे, जब भी आप AWS का पेज ओपन करो या लॉग इन करो तो सबसे पहले यही वाला आइकन दिखता है। मैं इसके साथ एक चीज और रखूंगा लोडिंग, तो हम आइकन के नीचे एक लगाएंगे H3 और H3 में लिख देंगे लोडिंग, परफेक्ट। और इसको भी सेंटर पे कर देंगे, या रिफ्रेश करिए, इसके पेरेंट को सेंटर में कर दिया तो ये भी सेंटर पे आएगा। हल्का सा यहाँ पे क्लास लगा देते हैं, क्लास मार्जिन टॉप, तो M फॉर मार्जिन, T फॉर टॉप, और मार्जिन 2 दे देंगे, तो हल्का सा ऊपर से नीचे आ जाएगा, परफेक्ट। तो आपको लोडिंग दिखेगा, तो यहाँ पे दो तीन डॉट्स काम कर देते हैं भाई, तीन डॉट रखते हैं सिर्फ, और हम लोग रिफ्रेश कर देते हैं, तो परफेक्ट। देखिए लोडिंग दिखेगा, बट लोडिंग स्टार्टिंग में दिखना चाहिए, जब आपके आपके पोस्ट लोड हो जाए तो ये हट जाना चाहिए। तो चलिए हम लोग एक पेज बनाते हैं यहाँ पे पोस्ट ऑपरेशन का, तो हम लोग वेब पेज पे राइट क्लिक करेंगे, और मैं यहाँ पे जेएसपी यूज करने वाला हूँ, तो वेब पेज पे राइट क्लिक करेंगे और हम लोग बना लेंगे एक जेएसपी, ठीक है, और इसका नाम दे देंगे पोस्ट लोड पोस्ट, लोड अंडरस्कोर पोस्ट डॉट जेएसपी, लोड अंडरस्कोर पोस्ट डॉट जेएसपी, और इसको डायरेक्ट नहीं ओपन करना, इसीलिए मैं इसमें बेयरबोन्स ऑफ एचटीएमएल नहीं लिखूंगा, इसमें मैं एचटीएमएल टैग नहीं लिखने वाला हूँ, ना बॉडी टैग लिखने वाला हूँ, सिंपली
इसके अंदर मैं डायरेक्ट पोस्ट दिखाऊंगा और इसका कंटेंट निकाल के मैं लाऊंगा अपने प्रोफाइल पेज के इस कंटेनर के अंदर, इस कंटेनर के बगल में, दैट मीन्स यहाँ पे कहीं लाऊंगा। इसकी आईडी दे देंगे पोस्ट की, अभी देंगे सारी चीजें। तो हम लोग सिंपली जैसे ही हमारा पेज लोड हो रहा है, सबसे पहले हम उसी पेज को रिक्वेस्ट करते हैं। तो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो रही कि नहीं हो रही, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख दूंगा दिस इज लोड पोस्ट पेज। ये मैसेज अगर वहाँ दिख गया, ये कंटेंट वहाँ दिख गया, तो हम समझ जाएंगे कि ये अजैक्स के थ्रू रिक्वेस्ट जा रही है। तो हम लोग आ जाएंगे सबसे नीचे स्क्रिप्ट टैग में, क्योंकि हमें जेक्वेरी यूज़ करना है अजैक्स को यूज़ करने के लिए। तो ये सारा काम हम लोगों ने किया था, ठीक है। नाउ ऐड पोस्ट, यस ऐड करना था। हम लोग एक और स्क्रिप्ट लगाएंगे, एक और स्क्रिप्ट टैग लगा देंगे, और स्क्रिप्ट टैग लगाने के ऊपर मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे लोडिंग पोस्ट यूजिंग अजैक्स, ठीक है। बाद में जब हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो इन जेएस को हम लोग कंप्रेस कर देंगे, जिससे बाकी लोग को समझ में ना आए क्या लिखा है हम लोगों ने। तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। जब हमारा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा, ठीक है, उस केस में मैं एक फंक्शन चलाऊंगा और ये फंक्शन जैसे ही डॉक्यूमेंट रेडी होगा, ये फंक्शन चल जाएगा। एक बार मैं अलर्ट करके दिखा देता हूँ आप सबको। यहाँ पे अलर्ट लिखूंगा और लिखूंगा लोडिंग, ठीक है। तो अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप लोग को देखिएगा ये कहीं ना कहीं पेज आपको चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हल्का सा मिस्टेक हो गई, इसको मैं सही कर देता हूँ और फिर से इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख पाओगे लोडिंग। इसका मतलब जैसे ही आप लोड कर रहे हो ये चीज़ चल रही है। अब हम लोग को क्या करना है, यहीं पे अजैक्स की रिक्वेस्ट मार देनी है इस वाले पेज को, लोड पोस्ट को। तो सिंपली आप लिखिए डॉलर डॉट अजैक्स, ठीक है, अजैक्स। और आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें देनी है, जैसे आप ऑप्शन एक ऑब्जेक्ट पास करोगे, ऑब्जेक्ट में आपको सबसे पहले URL देना है, ठीक है। URL में हमें अपने पेज का नाम देना है लोड अंडरस्कोर पोस्ट। अगर यहाँ पे सर्वलेट होता तो आप सर्वलेट का URL पैटर्न दे देते, और इसका एक्सटेंशन भी देना है क्योंकि हमारा पेज है, तो हम लोग डॉट जेएसपी पास कर देंगे, परफेक्ट। उसके बाद मैथड में दे दीजिए, या सिंपली आप बाय डिफॉल्ट मैथड गेट हो जाएगा, तो सिंपली आप सक्सेस लिखिए, ठीक है। और यहाँ पे आप कंसोल करिए, कंसोल डॉट लॉग, और लॉग में आप डेटा को कंसोल करिए, ठीक है, और आप सिंपली सेव कर दीजिए, और आप कंसोल ओपन कर लीजिए और फिर पेज को रिफ्रेश करिए, ठीक है। कंसोल ओपन करके पेज को रिफ्रेश करिए, ठीक है। तो ये कुछ बता रहा है 404 नॉट फाउंड, तो हम लोग का एक एस मिस हो गया यहाँ पे, तो हम लोड पोस्ट डॉट जेएसपी था। आप फिर से रिफ्रेश करते हैं तो देख पाएंगे, देखिए दिस इज लोड पोस्ट पेज, और ये लोड हो रहा है हमारे दूसरे पेज की हेल्प से। इसका मतलब जैसे ही आप लोड कर रहे हो एक रिक्वेस्ट जा रही है लोड पोस्ट को, यहाँ पे रिक्वेस्ट आ रही है सर्वर पे, और यहाँ पे जेएसपी हम लोग लिख देंगे और जेएसपी वहाँ पे जाएगा। कहाँ पे जाएगा जेएसपी, इस वाले पेज में आ जाएगा, प्रोफाइल वाले पेज में। और हम लोग जैसे ही सक्सेस आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग लोडर को हाइड कर देंगे। तो हम लिखेंगे डॉलर, पहले लोडर को हम लोग पकड़ेंगे और डॉट हाइड कर देंगे, परफेक्ट। तो जैसे ही रिक्वेस्ट वहां से आएगी, देखिएगा जैसे रिक्वेस्ट वहां से आएगी लोडर आपका हाइड हो जाएगा, और लोडर को हाइड होने के बाद हम लोग जो चीज यहां पे आ रही है वो हम लोग दिखा देंगे अपने इस वाले कंटेनर के अंदर। तो इसकी भी एक आईडी दे देते हैं हम लोग, तो भाई ये नीचे आ जाते हैं, कंटेनर कहां गया हमारा, तो चलते हैं ऊपर 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 जहां पे हमने पोस्ट दिखाए थे भाई। तो ये पोस्ट है, हम लोग अपने कंटेनर वाले कॉलम जहां हम पोस्ट वाले कॉलम की आईडी थी, तो वहां पे हम लोग इसकी एक आईडी दे देते हैं, आईडी देते हैं पोस्ट डैश कंटेनर, ठीक है, पोस्ट डैश कंटेनर, ठीक है। और हम लोग इसी पोस्ट कंटेनर में सारा डेटा अपेंड करते हैं और डालते हैं वहां से। तो हम लोग आ जाएंगे सबसे नीचे जहां पे हम लोग ने लिखा था अजैक्स, और हम लोग सिंपली क्या करेंगे, देखिए हम लोग हाइड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग पकड़ेंगे अपने पोस्ट कंटेनर को। तो हम लोग लगाएंगे यहाँ पे हैज पोस्ट कंटेनर, और हम लोग लिखेंगे यहाँ HTML, और HTML के अंदर हम लोग यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे डेटा, परफेक्ट। अब हम लोग जरा रिफ्रेश करते हैं, देखेंगे, ठीक है। तो जैसे रिफ्रेश किया, ध्यान से देखिए, ये देखिए ये जो दिस इज पोस्ट पेज आ रहा है, लोड पोस्ट पेज, ये आ रहा है हमारे दूसरे पेज से, बस अजैक्स के थ्रू आके यहाँ पे डायनेमिकली सेट हो गया है। इसका मतलब ये बहुत ही अच्छी चीज है, लेकिन हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्योंकि हुआ क्या है कि आपका जो पहले वाला HTML था वो गायब हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं भाई,
आईडी में हल्का सा चेंज करते हैं, हम लोग आते हैं इधर, आते हैं इधर, आते हैं, और ये आईडी मैं इसको नहीं दूंगा। मैं क्या बनाऊंगा, इस कंटेनर के पैरेलल एक और कंटेनर बनाऊंगा, डिफ क्लास कंटेनर फ्लूइड, कंटेनर फ्लूइड, और हम लोग क्या करेंगे इसको आईडी देंगे, जिससे होगा क्या कि जब आप इसको हाइड करो तो ये हाइड हो जाए और वहां पे रहे, क्योंकि बाद में जब लोडर दिखाना होगा तो हम लोग जेक्वेरी के थ्रू इस लोडर को शो कर देंगे, और अब हम लोग का जो कंटेंट आएगा डायनेमिक लोडो के वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो अगर आप रिफ्रेश करते हो तो इनिशियली आपका लोडर दिखेगा, जैसे ही रेस्पॉन्स वापस आ जाएगा तो आपका लोडर हाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके सारे पोस्ट दिखेंगे। अब हम लोग को कोडिंग सिंपली करनी है लोड पोस्ट में। तो फ्रेंड्स ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी होती है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसकी कोडिंग करेंगे, सारे पोस्ट यहाँ पे दिखाएंगे, और जो चीज़ यहाँ पे दिखाएंगे वो यहाँ पे दिखेगी, क्योंकि आप जैसे ही रिफ्रेश करोगे या पेज कोई ओपन करेगा तो सबसे पहले लोडिंग दिखेगा, और अजेस के थ्रू एक रिक्वेस्ट चली जाएगी आपके लोड पेस्ट लोड आपके लोड पोस्ट्स डॉट जेएसपी पेज को, और वहाँ से आपके सारे पोस्ट इनिशियली ऑल पोस्ट आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग इस पर क्लिक करके फिर से रिक्वेस्ट भेज सकते हैं अजेस के थ्रू, तो दूसरे पोस्ट आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को होपफुली यहीं पर रखते हैं, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो रही है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, कुछ सीखने को मिला, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।